नमस्कार दोस्तों, सावधान हो जाओ वेस्ट इंडीज। तीसरे T20 मुकाबले में भारत का खतरनाक ओपनर बल्लेबाज करेगा ओपनिंग। तो कौन सा वो बल्लेबाज है बताएंगे आपको इस वीडियो में। लेकिन दोस्तों इससे पहले, अगर आप भी रोहित शर्मा को एक बेहतरीन कप्तान मानते हैं तो इस वीडियो को एक लाइक और चैनल को सब्सक्राइब कर लें। दोस्तों भारत और वेस्ट इंडीज की टीम के बीच आज 3 T20 मैचों की सीरीज का आखिरी मुकाबला 7:00 कोलकाता में खेला जाएगा। फिलहाल भारतीय टीम T20 सीरीज में 2-0 से आगे है और भारत आज वेस्ट इंडीज की टीम को T20 श्रृंखला में भी क्लीन स्वीप करने के लिए मैदान में उतरने वाला है। लेकिन तीसरे T20 मुकाबले से पहले भारतीय टीम में कई बड़े बदलाव होने वाले हैं और इस मुकाबले में BCCI ने विराट कोहली और विकेट कीपर ऋषभ पंत को आराम दिया है। तो इन दो खिलाड़ियों की जगह भारतीय टीम में श्रेयस अय्यर और खतरनाक ओपनर बल्लेबाज ऋतुराज गायकवाड़ को टीम में मौका मिलने वाला है। तो ऐसे में भारतीय टीम रोहित शर्मा के साथ ऋतुराज गायकवाड़ के साथ ओपनिंग करती नजर आने वाली है। ऋतुराज गायकवाड़ आखिरी बार T20 मुकाबला श्रीलंका के खिलाफ जुलाई 2021 में खेले थे। उसके बाद ऋतुराज गायकवाड़ भारत के लिए कोई भी मुकाबला नहीं खेले हैं। ऐसे में ऋतुराज गायकवाड़ इस मुकाबले में अपने आप को साबित करने के लिए काफी अच्छी पारी खेल सकते हैं, ताकि उन्हें आने वाले T20 वर्ल्ड कप में भी भारतीय टीम के लिए खेलने का मौका मिल सके। ऋतुराज गायकवाड़ IPL 2021 में सबसे ज्यादा रन बनाने वाले खिलाड़ी रहे थे। तो ऐसे में वेस्ट इंडीज की टीम को तीसरे T20 मुकाबले में इस खतरनाक ओपनर बल्लेबाज से बच के रहना होगा। अगर वेस्ट इंडीज की टीम को आज क्लीन स्वीप से बचना है तो भारत की ओपनिंग जोड़ी को जल्द आउट करके पवेलियन भेजना होगा। तो दोस्तों, अगर आप भी भारत और वेस्ट इंडीज के बीच तीसरे मुकाबले को बिल्कुल फ्री में देखना चाहते हैं तो डिस्क्रिप्शन में दिए गए हमारे टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर लें।